इसराइल पर ईरान के संभावित हमले के मद्देनजर लुफ्तांसा ने अपनी कई उड़ानें 21 अगस्त तक रद्द कर दी है। तेल अवीव, तेहरान, बेरूत, अम्मान और अरबिल के लिए 21 अगस्त तक कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। उधर अमेरिका ने भी अपना घातक जंगी बेड़ा भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया। आशंका है कि आज रात ही जंग की शुरुआत होगी। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को मिडिल ईस्ट जल्दी पहुंचाने का आदेश दिया है। घातक 154 लैंड अटैक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस ये सबमरीन तेजी से मेडिटेरेनियन की तरफ जा रही है। इसके अलावा तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरफ जा रहा है। वहां पहले से ही यूएएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है। इससे पहले अमेरिका और अन्य देश मिलकर ये प्रयास कर चुके हैं कि इसराइल और हमास के बीच सीज फायर हो जाए ताकि ईरान के हमले के समय ज्यादा मामला बिगड़े ना। लेकिन इसराइल द्वारा हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया को मारने के बाद ईरान गुस्से में है। वो बदला लेने के लिए संभवत आज रात ही हमला करेगा। दुनिया भर के सोशल मीडिया हैंडल्स, खासतौर से ट्विटर यानी एक्स पर ये खबरें वायरल हो रही हैं। इसराइल पर हमला करने जा रहे ईरान के साथ हिजबुल्ला, हमास, यमन के हूती विद्रोह भी साथ देंगे। इसलिए अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन के लिए प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा है कि ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि अमेरिका इजरायल के बचाव में हर वो जरूरी कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये बड़ा संदेश मिला है कि शायद आज रात इसराइल पर ईरान हमला करने वाला है और सभी तैयारियां तेजी से हो रही हैं। आपको क्या लगता है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एवीपी लाइव।